सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मा देवी, ग्राम बतासी, पोस्ट भतिया, थाना बारा चट्टी, जिला गया। मेरे पति नहीं राजी थे रिकॉर्डन के लिए, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ घरवाली की देखना शुरू की, और उसके बाद मैं अपने घर वालों को दिखाना शुरू की। उससे उन पर असर पड़ा और मेरे पति भी समझने लगे, फिर उन्होंने समझा कि हाँ ये ठीक है। अब वो मुझे बोध गया। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनाने वाली नगरी और हमारी तलाश का एक पड़ाव। हमारी कोशिश रही है अज्ञानता के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाना, और इस कोशिश का एक चेहरा हमें यहां मिला है बोध गया में। निर्मा जी, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही निडर हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस बेबाक बहादुरी का राज क्या है। आप जो धारावाहिक दिखाते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सहन शक्ति जो अंदर से आत्मा है उसे जागरूकता मिलती है, उससे मुझे शक्ति मिलती है। जब पहली बार आपने इन सब चीजों के बारे में बात करना शुरू किया तो आपके पति की, आपके ससुराल वालों की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे पति थे वो कहते थे कि नहीं मुझे कॉन्डम नहीं यूज करना है। मैंने अपने पति को समझाया कि देखिए कि माला डिगोली कभी मैं भूल जाती हूँ, जब करते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल इस तरह से कीजिए और फिर इससे मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। ये सब जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं वो कॉन्डम के इस्तेमाल करने से रुक जाती है और इससे हमें दोहरी सुरक्षा प्रदान होती है। इस विषय में मैंने उन्हें समझाया, तब से वे मानने लगे और फिर कॉन्डम का अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे मन में मैंने ठाने हुआ था कि बताऊंगी सभी को गलत रास्ते पर नहीं चलने के लिए, और ये परिवार नियोजन के बारे में, बाल विवाह के बारे में, तो इन सारी बातों को बताने का मुझे ये सबसे अच्छा मौका मिला। गांव में आज रोशनी की किरणें हर कोने, हर चप्पे, हर किनारे को छूने लगी है। हम लोग मामे पापा को बोले जो 3 लाख के लिए आप पैसा जमा करें उसी से हम लोग को पढ़ाइए, और पढ़ के कुछ करेंगे बनेंगे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुद लड़का लोग मेरे पास आएगा कहेगा मुझसे शादी करो कि अपने माँ बाप को ये भी कहने लगे खुद से कि अभी हम लोग को पढ़ने का एज है, अभी शादी करने का एज नहीं है, लड़की अब सब काम कर सकती है, लड़के से पीछे नहीं है किसी भी काम में। कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ये सब चीजें समझा रही हैं तो कुछ लोग इस बात को बुरा मानते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी के घर में मैं जब जाती हूँ तो वे लोग बोलते हैं क्या ये हम बात नहीं जानते हैं जो तुम फ्री में लेक्चर देने चली आती हो मेरे घर में। तो हम कहते भैया आप जानते हैं तो इस बात को जान के इसको अपने जीवन में साकार कीजिए। क्या क्या होता है पढ़ाई के बहाने हम सब जानते हैं, आप हमें मत बताइए। हम आपको समझाने आए हैं, कोई नया कार्यक्रम लेकर नहीं बल्कि एक सच्चा प्रयास लेकर। स्त्रियों के ऊपर हिंसा, मानसिक तनाव, बलात्कार, इन सब की वजह अज्ञानता है। अब आपके सासू माँ, आपके पति, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? वो लोग पहले तो नहीं समझते थे, अरे ये फालतू में बोल रही है, लेकिन अब जब बाहर वाले भी मेरे चर्चा करते हैं कि नहीं अच्छे अच्छे बातें बताती है, इसकी बहू अच्छी है, तो मेरे सास को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अपनी बहू के लिए आप क्या चाहती हैं? वो किस तरह से रहे, क्या करे? चलते अपना रहे, बढ़िया से खाए, कमाए, रहे, बढ़े आगे। तो निर्मा जी, जिस तरह से आपकी सासू माँ अब आपका इतना साथ देती है, तो क्या दूसरी औरतों की सासू भी उनका साथ देती है? हाँ, कुछ कुछ है अभी भी जो कि अपनी बहू को समझती हैं अपनी बेटी की तरह और उनका साथ देती हैं। जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझने लगती है, जहां बातचीत के दरवाजे खुल जाते हैं, उन्हीं रास्तों पर तो हमें चलना है। हम लोगों से सीखे हैं कि भाई
यदि अच्छी सेहत का राज है डॉक्टर स्नेहा के साथ। छोटी वाली बहू जो है से 3 साल शादी किए हुए हो रहा है, तो उसको एक बच्चा हुआ, कहीं तो उसको पट्टी लगवा दिए कि अभी हमको नहीं चाहिए, और पोता या पोती जो भी कुछ है से नहीं चाहिए हमको, अभी 3-4 साल के बाद चाहिए। आपकी बहू अभी कहाँ पर है? अभी आप हमारी बहू जो है सो काम पर गई हुई है। और आपको उनकी नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है? नहीं, एतराज कुछ नहीं है। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि दोनों आदमी कमाइए या दोनों आदमी बढ़िया से रहिए या बाल बच्चों को अच्छा से पालिए पोसिए। ये हमारी संगीत मंडली संगीत के मनोरंजन के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और दूसरे विषयों पर भी चर्चा करती है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बताइए मुझे। जब स्नेहा समूह का गठन हुआ तो हम लोग 12 दीदी 15 दीदी एक जगह हुए, बहुत कठिन से हुए। इसके बाद फिर जब अगल बगल में किशोरियों के साथ पाबंदी होता है, किशोरियों के साथ कम उम्र में शादी होता है, तो उनको घर जाकर सारे दीदी जाते हैं कि चलिए काहे वो बेटी पढ़ना चाहती है, उनको माता पिता काहे अभी शादी करने के लिए तैयार है, चलिए सब दीदी मिलकर उनसे बात करेंगे। जो गांव में भ्रम भ्रांति होता था, बाबा पहलवान लोगों को गुमराह करके पैसे ठग लेते थे, सोना का कंगन ठग लेते थे, और वो चीज अभी भी हमारे समाज में भी हो रहा है। क्या समस्या है? बच्चा नहीं हो रहा? ये लो दूध के साथ सुबह शाम बाबा का आशीर्वाद लो, जल्दी गर्भ धारण करोगी। वो चीज को हम लोग हटाने का प्रयास किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों है कि औरतों की स्थिति इतनी खराब है हमारे समाज में? कारण है कि जिसके 2-4 बच्चियां हैं वो चिंता में रहते हैं कि हमको पढ़ाना लिखाना भी है और शादी ब्याह भी करना है, इतना दहेज इतना तेजी से बढ़ रहा है। किस तरह से आप लोग इतना पैसा कहाँ से ला पाते हैं? तो चाहे तो जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है वो ज़मीनें बेच देते हैं, या तो घर का कुछ सामान रखते हैं, जानवर गुरु जो भी रखे हैं उसको बेच के देते हैं। ये जो दहेज की समस्या है, आप लोग इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हम संकल्प लिए हैं दीदी कि हमको ही एक बेटा है, उसको शादी करेंगे ना तो उसको हम दहेज ना लेकिन एको पैसा नहीं लेंगे। एक भैया आया मेरे घर में तो बोले कि आपकी जो घर में ननद है उसके शादी के बारे में हम बात करना चाह रहे थे, तो वो लोग भी बोले कि 3-4 लाख रुपया चाहिए मेरे को। तो हम लोग बोले कि भैया जो खर्च आप में हुआ है वो खर्च मुझ में नहीं हुआ, जो एहसास आप कर रहे हैं वो एहसास मुझ में नहीं है, तो फिर आप क्यों इसके खिलाफ हैं, क्यों आप चाहते हैं कि मुझे दहेज चाहिए? तो मैंने उसको ये इस चीज को एहसास दिलाया, अंदर से उसको जागरूक किया, उसकी आत्मा को जगाया मैंने, तब वो जाके राजी हुए कि हम लोग बिना तिलक के बिना 1 रुपये पैसा लिए हुए हम आपकी लड़की से शादी करेंगे। ज्ञान का दीपक जब जलता है तो अपने प्रकाश से सबको छू लेता है। आज निर्मा देवी का पूरा गाँव प्रकाशित हो चुका है। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं